जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर वन ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपको बताने वाली हूँ कि कैसा रहने वाला है सभी 12 राशि के जातकों का मार्च का महीना। तो बात करने वाले हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि सामाजिक रूप से काफी सक्रिय और हमेशा गतिशील रहने में विश्वास रखने वाली राशि है और बृहस्पति द्वारा शासित होती है, जिसे ऋषि ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। धनु राशि का चिन्ह घोड़े और इंसान के शरीर का मिश्रित रूप है, जिसमें नीचे का भाग घोड़े का और कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मनुष्य का होता है। धनुष में निशान साधता हुआ ये व्यक्ति होता है और इस तरीके का कुछ चिन्ह बना होता है और इनके लक्ष्य के प्रति जो है प्रतिबद्धता को ये प्रदर्शित करता है। इसका मतलब धनु राशि के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की लालसा बनी रहती है और इस राशि के लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पर और हमेशा अपने जीवन को ईमानदारी के साथ जीते हैं और उन्हें अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होना पसंद होता है। तो चलिए ऐसे ही लोगों के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसा रहने वाला है उनका मार्च का महीना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर के लिहाज से। तो धनु राशि वालों के लिए करियर में उन्नति के लिए मार्च का महीना बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है। आपका दशम भाव का स्वामी बुध आपके दूसरे घर में होगा और आपके तीसरे घर में गोचर करेगा, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा जो अपने पारिवारिक व्यवसाय के सतह से जुड़े हुए हैं। आपका छठा घर स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में अपने तीसरे घर में नवे घर के स्वामी सूर्य के साथ स्थित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पेशेवर जीवन में कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही इस दौरान जो है आप अपने सहयोगियों के साथ कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। आपके छठे घर का स्वामी आखिरकार महीने के उत्तरार्ध में आपके चौथे में होगा। चौथे घर में होने की वजह से ये समय कामकाजी पेशेवर के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिक्षा के लिहाज से। तो धनु राशि के जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से जो है ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है। आपके दूसरे घर का स्वामी शनि मार्च के महीने में अपने ही घर में होगा, जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अध्ययन ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अब चौथे घर का स्वामी बृहस्पति शनि के साथ युति में होगा, जो आपको आपके अध्ययन के लिए आगे बढ़ाने में भी हेल्प करने वाला है और इस समय के दौरान आपका परिवार लगातार आपको अपने विषयों पर ध्यान केंद्रित करने और अच्छा स्कोर करने के लिए दबाव डालेगा। एकेडमिक छात्रों की इस बोझ को और अधिक सामना करना उन्हें पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी शिक्षा में आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, पारिवारिक जीवन की तरफ अगर नजर डालें तो मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आपका लग्न स्वामी और चौथा घर का स्वामी बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी शनि के साथ परिवार के घर दूसरे घर में होगा, जो कि ये दर्शा रहा है कि इस समय के दौरान आप पूरी तरह से घरेलू मामलों में शामिल रहेंगे। इस दौरान आपका परिवार आपकी पहली प्राथमिकता होगी और महीने की शुरुआत में नई चीज़ों को खरीदने घर के नवीनीकरण को लेकर के आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ इस वक्त जो है बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हैं, थोड़ी छोटी छोटी सी यात्रा भी कर सकते हैं। माँ के साथ आपके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं और उनकी चिंता को बेहतर ढंग से आप समझने में इस वक्त कारगर साबित होंगे, तो माँ के साथ भी आपके रिलेशन परफेक्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की। तो धनु राशि के जातकों का प्रेम जीवन थोड़ा सा कठिनाई भरा है, ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। आपका पंचम भाव का स्वामी मंगल पूरे मार्च में राहु के साथ छठे भाव में रहेगा, जिसका तात्पर्य क्या है कि आपका अपने साथी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। आप एक दूसरे से विवाद की वजह जानने में नाकामयाब रहेंगे और एक दूसरे के साथ टकराव, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े जो हैं उनको बरकरार रखेंगे। आपको अपने रिश्तों में सावधान और धैर्य रहने की ज़रूरत है और मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे तो चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, वरना हो सकता है कि आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएं, इतनी ज़्यादा परेशानियां आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होने तक की जो है सोच डेवलप कर लें। इस राशि के शादीशुदा जातकों की बात कर लें तो जीवन में उनके भी उतार चढ़ाव का है थोड़ा सा मामला और हो सकता है कि वो भी इन चीज़ों से गुजरें। आपके सातवें घर का स्वामी बुध मार्च के शुरुआती दिनों के दौरान आपके दूसरे घर में होगा, जिसका अर्थ क्या है कि आप और आपके पति आपके अपने घर के मामलों को लेकर के थोड़ा सा बिजी रहेंगे और यही है कि आप एक दूसरे को उतना अच्छे से खुश नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना है। ये कारण हो सकता है कि आप दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां हो और वो दूरियां मिसअंडरस्टैंड कर जाएं, लेकिन आपको क्या करना है, साथ बैठना है, एक दूसरे के साथ समझना है और अगर एक दूसरे को आप समझ रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आए आपका जो रिलेशन है वो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे आर्थिक पक्ष की।
धनु राशि के जातकों का आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। ये महीना एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा आराम देने वाला है। इस महीने के दौरान अपनी वित्तीय स्थिति को कम आंक सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा जिसके चलते आप थोड़ा सा असुरक्षित भी महसूस करेंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा आरामदायक हो जाएंगे कि आपकी जो इनकम है उस पर भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। आपके दूसरे घर का स्वामी शनि अपने ही घर में होगा, जिसका अर्थ क्या है कि इस दौरान आपकी बचत काफ़ी होगी। मार्च के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे साबित होंगे, अनुकूल परिणाम लाएंगे, क्योंकि आपके 10वें घर का स्वामी इस दौरान आए के आपके दूसरे घर में होगा। आपके 11वें घर के स्वामी शुक्र आपके तीसरे घर में सूर्य के साथ युति में होगा और अंततः आपके चौथे घर में चला जाएगा। आपके लिए निवेश के लिए कुछ अच्छी संभावनाएं भी लाने वाला है। आप महीने के उत्तरार्ध में संपत्ति में निवेश कर सकते हैं और मार्च के मध्य के बाद आपको कुछ भारी खर्च भी करना पड़ सकता है, और ये खर्च किसी वाहन की खरीदी, परिवार के बीच में, या फिर अपने जो है बिजनेस को लेकर के बढ़ाने के लिए हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च का ये महीना धनु राशि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं साबित होगा। आपका लग्न स्वामी बृहस्पति आपकी दुर्बलता के संकेत दूसरे के घर में है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कम कर देगा। मंगल और राहु आपकी राशि के छठे भाव में होंगे, जिसके चलते इस महीने के दौरान आपको कुछ चोटों और घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। चोट छोटी मोटी ही होंगी, लेकिन बार बार लगेंगी तो शरीर को थोड़ा सा परेशान करेंगी, तो इसलिए आपको इन तकलीफ़ों से बचने के लिए थोड़ा सा संभल कर रहना है। इसके अलावा इस दौरान आपको छाले, अल्सर, सांस की दुर्गंध जैसी परेशानी भी हो सकती है, तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अत्यधिक गर्म और मसालेदार भोजन से थोड़ा सा परहेज करना है। मेरी तरफ से आपको बस यही सलाह है। अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो आपका फाइनली जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उपाय के तौर पर क्या करना है ये जान लीजिए। रोज़ाना हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। गुरुवार को केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियां निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी और आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और मेरे साथ मेरी बहुत सारी सहयोगी भी आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आती रहती हैं, तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको समय समय पर आपसे जुड़ी हुई आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। मैं प्रभु से आप सभी के लिए यही कामना करती हूँ। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।